पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर पर मथुरा और बरसाने में जिस तरह से फूलों की होली खेली जाती है, कुछ उस तरह से गुलाबी और पीले फूलों से लाद दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये जो बारिश हो रही है फूलों की, वो उनके प्रति जो प्रेम है वो दर्शाता है जनता के प्रति, और जो कनेक्ट है वो दर्शाता है। आज का जो ये रोड शो नाम्बा बेंगलुरु नाम्बा हेम्मे, यानी हमारा बेंगलुरु हमारा गर्व के तहत ये रोड शो चल रहा है, और प्रधानमंत्री बार बार जनता के प्रति नतमस्तक होते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और उनका अभिवादन स्वीकार करने के साथ ही साथ उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हुए, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को इस भीड़ से ऊर्जा मिल रही है, लोगों से ऊर्जा मिल रही है, और जो लोग उनका स्वागत करने के लिए उमड़े हुए हैं इससे वो भी ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। लोग उल्लसित हैं, प्रसन्न चित्त हैं, बेहद आनंदित हैं कि उनके लोकप्रिय नेता उनके बीच में हैं। ये दृश्य अगर कहा जाए तो राजनीति के लिए बहुत आम नहीं है, जब इतनी बड़ी संख्या में किसी नेता का स्वागत करने के लिए हजारों हजार की संख्या में क्या बच्चे क्या बूढ़े स्त्री पुरुष सब जुटे हुए हैं, और फूलों की बारिश लगातार हो रही है। ये जो दृश्य है ये निश्चित तौर पर अभूतपूर्व है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, लगातार जिस तरह से कर्नाटक के चुनाव प्रचार की बागडोर प्रधानमंत्री ने स्वयं संभाली है, उसके बाद का ये जो जिसको कहना चाहिए कि प्रचार में एक ड्रास्टिक चेंज आप देख सकते हैं, और कल का रोड शो रहा हो आज का ये जो रोड शो है, क्या कुछ दर्शाता है, क्या क्या कहेंगे आप? दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम धुआंधार रोड शो देख रहे हैं। कल बेंगलुरु में हमने देखा कि 26 किलोमीटर से बड़ा रोड शो था, और इतने फूल जनता ने खरीदे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए, कि बेंगलुरु में फूल नहीं मिल रहे थे। और आज ये तकरीबन 10 किलोमीटर का से अधिक का हम रोड शो देख रहे हैं, वही उत्साह वही भीड़ दिखाई दे रही है, जबकि आज सुबह बारिश हुई उसके बावजूद लोगों का उत्साह देखने लायक है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनाव प्रचार की रणनीति में सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो अधिक से अधिक इलाके में हो, और उससे एक माहौल बनाया जाए। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी, उनके साथ साथ बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारकों की धुआंधार चुनावी जनसभाएं और रोड शो कर्नाटक के अलग अलग जिलों में अलग अलग शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं। तो रणनीति है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। जब अब चुनाव प्रचार खत्म होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, कल अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, तो ऐसे में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह प्रचार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की एक रणनीति है कि अपने सबसे लोकप्रिय नेता की जमकर चुनावी जनसभाएं और रोड शो आयोजित किया जाए, और जो रिस्पांस मिला इससे पहले के रोड शो में और चुनावी जनसभाओं में वो पार्टी का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। यही वजह है कि इतने बड़े मेगा रोड शो का आयोजन कल किया गया, जब हमने देखा कि बेंगलुरु की धरती पर एक ऐतिहासिक रोड शो देखने को मिला, अब तक का सबसे बड़ा रोड शो देखने को मिला, और आज उसी का एक एक्सटेंशन कह सकते हैं आज का रोड शो हम देख रहे हैं। निश्चित तौर पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जो तस्वीरें कल हमने देखी थी, आज जो तस्वीरें सड़कों पर शहर में राज्य की राजधानी में दिखाई दे रही है, आईटी सिटी में जो अपने मेट्रो कल्चर के लिए जाना जाता है, उस शहर में जो अपने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है, उस शहर में जो जहां पर युवा के सपने पूरा होते हैं, वो शहर जहां युवाओं की आकांक्षाएं पूरा होती हैं, वो शहर जो आधुनिक भारत का भविष्य क्या होगा उसकी एक झलक देता है, वो शहर जो दरअसल ये बताता है कि कैसे जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कनेक्टिविटी है, शहरों की जो चुनौतियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या फिर ट्रैफिक को लेकर, उसे कैसे दूर किया जा सकता है, उस पर कैसे आगे काम हो सकता है, उस शहर की आकांक्षाओं को जनता अपने तौर पर सामने रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रेम बरसाते हुए, उन पर पुष्पवर्षा करते हुए, ये बताता है कि जनता की आकांक्षाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार बखूबी समझ रही है, और यही वजह है कि युवा हो महिलाएं हो उनका भरपूर प्यार भरपूर प्रेम हम देख रहे हैं पुष्पवर्षा के माध्यम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखने की जो एक होड़ है, एक जो
सपना है, एक जो आकांक्षा है वो हम देख रहे हैं कि लोगों को बड़ी संख्या में सड़कों पर इंतजार करते हुए, रोड शो शुरू होने से पहले ही जब हमने सुबह से ये देखा कि काफी संख्या में छात्र हों, छात्राएं हों, महिलाएं हों, अलग अलग वर्ग के लोग सड़कों पर दिखाई दिए। तो निश्चित तौर पर कर्नाटक की जो चुनावी जो प्रचार है वो कई संकेत अपने आप में दे रहा है। कर्नाटक का जो चुनाव प्रचार है वो भारतीय राजनीति में दरअसल ये बता रहा है कि किस तरह से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ते जब चुनावी राजनीति में पार्टी के लिए प्रचार करने का सवाल हो, जनता से कनेक्ट होने का सवाल हो, जनता से संवाद करने का सवाल हो, पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी लगी रहती है, अपने सबसे लोकप्रिय नेता से अनुरोध करती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का अभिवादन स्वीकार करने में, जनता से संवाद करने में कभी कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते और हम वो होता हुआ देखते भी है। और यही वजह है कि बीजेपी ये दावा करती है कि वो एकमात्र ऐसी पार्टी है जो उन राज्यों में भी सत्ता में रहने के बाद लगातार सत्ता में वापस आती है जहाँ पर एक परंपरा नहीं है रही है सत्ता में लगातार वापस आने की। उत्तर प्रदेश का उदाहरण है जहाँ दशकों बाद भारतीय जनता पार्टी 5 साल सत्ता में रहने के बाद एक ऐसी पार्टी बनी जो फिर से योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सत्ता में वापस आई। हमने उत्तराखंड देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ परंपरा तोड़ी, सत्ता में वापस आई। गुजरात का तो उदाहरण सामने है ही जहाँ पर तकरीबन 3 दशकों से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव दर चुनाव हम उस भारतीय जनता पार्टी की शानदार सफलता के बाद सत्ता में वापसी देख रहे हैं। तो उत्तर भारत के राज्य हो या फिर पश्चिम भारत का गुजरात हो या उत्तर पूर्व के राज्य हो जहाँ हाल ही में चुनाव हुए हैं, हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने आधार को बढ़ा रही है। इन राज्यों में सत्ता में है वहाँ सत्ता में वापसी कर रही है, जहाँ पर सत्ता में पहले से नहीं है वहाँ पर अपने आधार को मजबूत कर रही है या फिर सत्ता में सहयोगियों के साथ आ रही है चुनाव बाद। तो निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का विश्वास जीता है और संगठन ने कितनी सक्रियता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाया है और चुनाव में जुटकर संगठन के सदस्यों ने मेहनत किया, जनता को समझाने में सफल साबित हुए कि देखिए डबल इंजन की सरकार के जो फायदे हैं वो किस तरह से राज्य के विकास को आगे ले जा सकते हैं। निखिल, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जी जी, निश्चित तौर पर ये जो रोड शो है वो ऐतिहासिक है, जो ये चुनाव है वो भी ऐतिहासिक है। हमारे साथ में आयशा खानम जुड़ी हुई है। आयशा, आपने कहा कि एक ये युक्ति चलती है कर्नाटक के चुनावों में कि जिसने बेंगलुरु जीत लिया उसने समझ लीजिए कि चुनाव जीत लिया। बेंगलुरु शहर की सियासत और यहाँ का चुनावी गुणागणित भी हमारे दर्शकों को समझाइए। ये देखिए निखिल, मैं उससे पहले आपको एक खबर दे दूं, यहाँ पर इस रोड शो में अभी अभी एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ देर तक के लिए फंस गए थे। देखिए चुनाव का समय है और लीडर्स एक दूसरे का आमना सामना जरूर करते हैं, तो यहाँ पर जो रोड शो के लिए भारी मात्रा में भीड़ जमा है वहां से उन्हें आगे जाना था तो कुछ देर तक उनकी गाड़ी प्रधानमंत्री के इस रोड शो में फंस गई थी। बहुत ही दिलचस्प नजारा हमें यहाँ पर देखने को मिला। देखिए एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर काफी व्यक्तिगत